आपने ये देखा है, ज्यादातर मुस्लिम लड़के हिंदू बेटियों को पटाते हैं, फंसाते हैं, और फिर उनके साथ किस तरीके के अपराध भी होते हैं, ये भी आप देख रही होंगी। इसमें मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, चाहे वो 35 टुकड़े वाले मामले हो, चाहे वो और आप और हम जो चीजें देखते हैं, जी लड़कियों को जो ब्रीफकेस में पैक होकर हमें मिलती हैं या किसी और तरह से उनकी हत्या कर दी जाती है। आज तो एक सुना होगा आपने कि कर्ज लिया था, उस हिंदू विमेन का मर्डर करके कब्रिस्तान में दफना कर आ गए। तो इस तरीके की चीजें करते तो ज्यादातर मुस्लिम लोग ही हैं, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है, इस गलती को दूर करने की जरूरत है। अब मौलाना अरशद मदनी क्या बोल रहे हैं कि हमारी लड़कियां सुरक्षित हो जाएंगी। कल आप कहेंगे कि स्कूल में जो भी बच्चे, क्योंकि सारे मुसलमानों के लिए तो स्कूल खुल नहीं जाएंगे भाई, देश के ज्यादातर मुसलमान बच्चे तो कोएड में भी पढ़ेंगे और भी सरकारी स्कूलों में जाएंगे। अगर सिर्फ लड़की वाला सुबह का स्कूल है तो दोपहर को लड़के तो जाते हैं ना, बाहर खड़े मिलते हैं लड़के, तो फिर कल आप कहेंगे मम्मी पापा साथ में ही क्लासरूम में भी बैठेंगे। फिर कल आप कहेंगे इसका भाई चाकू लेकर आया करेगा साथ में, क्योंकि कोई और ना कुछ अपराध हो जाए। तो ये किस दिशा में जा रहा है मुस्लिम समाज? और आप सोचिए, ये कोई छोटा मोटा मुस्लिम व्यक्ति नहीं कह रहा है अंबर, कि आप पर हम सोचे भाई सड़क चलता था, इसको तो अकल ही नहीं थी, इसने ऐसी बात कह दी होगी। आप सोचिए जो इस देश के सारी चीजों को इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जितनी भी चाहे वो मैं मलाईदार कुर्सियों की बात करूं, आपको एक अलग से ही, आप देखती हैं कि मौलानाओं को देखते ही कोई भी सरकार रही हो बहुत रेस्पेक्ट देती है, और अलग तरीके की सुविधाएं भी इनके लिए अवेलेबल हैं जो ये मुस्लिम समाज तक नहीं पहुंचने देते हैं, लेकिन इन्होंने निजी फायदे बहुत उठाए हैं बरसों से। तो आप सोचिए, वो शिक्षा को लड़की का नाम देकर ना स्कूल खुलेंगे और ना लड़कियां शिक्षित होंगी, क्योंकि जैसे जैसे मुस्लिम लड़कियां शिक्षित हो जा रही हैं, वो अंबर बन रही हैं, शबनम खान बन रही हैं, और मैं मुस्लिम लड़कियों से बात करती हूँ, उनके लिए काम करती हूँ, थोड़ी समझ बढ़ती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं अंबर, कि जी लड़कियां शिक्षित होती हैं तो समझ आती है उन्हें हर तरीके की। कुछ लड़कियां पढ़ लिख कर भी उनके चंगुल में रहती हैं, लेकिन कुछ जो पढ़ रही हैं उनका दिमाग, उनको समझ आ रही है, आप पर हमारी बात सुनती हैं, समझती हैं, पता चलता है कि जी हाँ, 3 तलाक जैसे आप और हमने बंद कराने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी, कि जी वो बुरा था हमारे लिए और हमारे धर्म में भी नहीं लिखा है। देखिए, पढ़ाई ऐसी चीज है जो आपके दिमाग भी खोलती है, दिल भी खोलती है, और आपके रहन सहन का तरीका भी बदलती है। तो ये तो चाहते ही नहीं ना कि लड़कियों का तरीका बदल जाए, लड़कियां कहीं स्वतंत्र होकर मैं भारत की बेटी हूं ना कहने लगे मुसलमान की बेटी हूं से। ये चाहते हैं सिर्फ मुसलमान की बेटी कहलाए, भारत की बेटी ना कहलाए। तो इनका तो एक ये प्रपंच है, ये अपनी रोटियां सेकते रहते हैं समय समय पर। तो शबनम जी, सवाल ये उठता है कि जब भी इस तरह का कोई बयान आता है, उसको अगर तालिबानी मानसिकता ना कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए? क्योंकि हम तालिबान में भी देख रहे हैं, अब किस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान महिलाओं पर अलग अलग तरह की आए दिन बंदिशें लगा रहा है, और यहाँ तक कि बंदिशें ना वो किसी तरह का काम कर सकते हैं, ना यूनिवर्सिटी कॉलेज जा सकते हैं, ना एनजीओ में, किसी फील्ड में नहीं काम कर सकते। और आप जाके जो सबसे लास्ट में ये है कि जो औरतें घरों में अपनी छोटी दुकान खोल लिया करती थी उस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। तो आखिर ये इस तरह के फरमान जारी करना किस ओर इशारे करता है? अंबर, आपको याद होगा कि जब भी कोई इस तरीके की चीज, वैसे तो ये भारत में कहते हैं, हमारे भारत की बात करो, है ना, हमें फॉरेन कंट्री से कोई लेना देना नहीं या दूसरी कंट्री से हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन जब तालिबान वहां पर काबिज होता है तो ये लोग चिट्ठियां लिखते हैं कि वाह वाह, देखिए तालिबान ने एक बड़ी फतेह हासिल कर ली है। तब ये उनको सराहते हैं तालिबानियों को, और जब वो अंकुश लगाते हैं, जो समाचार पढ़ने वाली बहन थी उनको फिर उन्होंने वो बांध दिया उनके ऊपर कि नहीं, अब आप कवर अप करके ही पढ़ सकती हैं, आपकी सिर्फ आंख दिखनी चाहिए, तब ये खुशी मनाते हैं। तो इनकी जो अंदरूनी मंशा है ना अंबर, जो अंदरूनी इनकी सोच है, वो उतनी ही पुरानी और तालिबानी है। ये जब आप चर्चा करेंगे कैमरा के सामने, जो आप और हम देखते हैं इनको दिन रात, तब ये कहेंगे नहीं भारत की बात करिए, नहीं, हम तो नहीं कह रहे, हम तो मुसलमान बेटियों को, और एक तरफ फिर ये कहेंगे कि हिजाब में हमारी बेटी को बैठने दो, जबकि स्कूल में कोई मना नहीं होता, लेकिन हिजाब के मामले में भी आपने देखा होगा पूरे सड़क पर उतर कर इन्होंने कितना हंगामा किया। और आपके हमारी कम से कम जब से आप और हम इनसे लड़ रहे हैं अंबर, तब से एक चेंज तो मैं देखती हूँ कि ये उन महिलाओं को जिनको घर से भी नहीं निकाला करते थे, आज सबसे पहले आगे लाकर खड़ा करते हैं, फिर इनके पीछे खड़े हो जाते हैं कि जी पुलिस महाराज हमें डंडा मत मारिएगा, बेटियां खड़ी हैं, बहनें खड़ी हैं।
तब भारत की बेटी है। और जब एजुकेशन देने की बात आएगी, देखिए सबसे पहले तो अंबर इनको काम करना चाहिए था कि जो मुस्लिम लड़के आपर में सर्वे भी अगर देखें तो कितना अपराध कर रहे हैं, किसी हिंदू की बेटी से शादी करते हैं। मैं यही सवाल आपसे करने वाली थी कि हमारे देश में बजाय इसके कि जो एक बड़ा मुद्दा है जो लव जिहाद की ओर इशारा करता है, और आज से नहीं बल्कि एक दशक से ज्यादा से ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। केरला में हाईकोर्ट में एक केस पहुंचा था क्रिश्चियन लड़कियों के मास कन्वर्जन को लेकर, जहां पर हजारों की संख्या में केसेस सामने आए थे, और जब रिपोर्ट NIE ने लगाई थी तो उसमें 17-18 हजार से भी ज्यादा लड़कियों के केसेस सामने आए थे कि एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, एक मेंटोर के द्वारा इस तरह के केसेस जबरन धर्म परिवर्तन के इरादे से हो रहे हैं। और हमने देखा कि फिर धीरे धीरे देश में नहीं बल्कि दुनिया में भी इस तरह के पैटर्न पे केसेस नजर आते हैं। तो ऐसे में बजाय इसके कि वो एक्सेप्ट करके इन सारी चीजों को दूर करते कि मुसलमान लड़के या कोई गलत राह पे यूथ को ले जा रहा है, उसको एड्रेस करने के बजाय उन्होंने एक नया ही भूत खड़ा कर दिया जो कि है ही नहीं। ये आखिर क्या है अंबर? आप कोशिश तो इनको, मतलब जो बयान आना चाहिए था, बीइंग ए मुस्लिम भी अगर मैं सोचूं कि भाई क्या बयान दे सकते हैं मेरे जो कौमी रहबर हैं, जिनको हम कौमी रहबर कहते हैं, उनको बयान तो ये देना चाहिए था कि हम मुस्लिम लड़कों को समझाएंगे कि अगर आप हिंदू बेटियों से शादी करते हैं तो उन्हें मुस्लिम बनाने की तरफ नहीं लेकर जाएंगे, जिस धर्म से आप लेकर आते हैं उसी धर्म में रहने देंगे, और दूसरा फिर उनको नमाज के लिए बाधित नहीं करेंगे, उनकी जो पूजा पद्धति होगी आप उसी पर काम करने देंगे, उसी तरह से उनको पूजा करने देंगे। सिखाना तो ये चाहिए था, बड़ी पहल इस तरफ करनी चाहिए थी, लेकिन बड़ी पहल देश को, अंबर मैं बड़े सीरियस होकर ये बात बोल रही हूँ, ये देश को तोड़ने की तरफ लेकर जा रहे। आप सोच कर देखिए, जब आप कहेंगे कि मैं तो स्कूल भी अलग खोलूंगा, फिर आप कहेंगे मैं नौकरियां भी अलग कराऊंगा, फिर आप कहेंगे कि मेरा तो देश ही अलग है, ये इतना हिस्सा, जितने हिस्से में हमने स्कूल खोल लिए, जितने हिस्से में हमने सारी चीजें कर ली है, ये हमारा देश हो गया, बाकी हिंदू अब उस साइड रहो। मतलब ये मंशा सोचिए आप, इस पर अभी किसी ने विचार नहीं किया इस मामले में। ये मैं ही पहली बार बता रही हूं आपको कि इनकी ये मंशा भी बड़ी घातक और खतरनाक है भारत देश के लिए। तो हमें कहीं ना कहीं, और सरकार को भी ना, चाहे मौलाना हो चाहे कोई पंडित हो, अगर इस तरीके की कोई बयानबाजी करता है जिससे हमें लगे कि देश टूटने की कगार पर लेकर जा रहे हैं, इनके ऊपर कड़े अंकुश लगाने चाहिए। अंबर, कोई इनको बख्शिश नहीं होनी चाहिए ये कहकर कि वो गेरुए वस्त्र वाले हैं या वो दाढ़ी टोपी वाले हैं। आप सोचिए कि कल क्या बोलेंगे ये, स्कूल हमारे बच्चों के लिए अलग हो गए मुसलमानों के लिए, नौकरियां अब हमारे लिए अलग हो गई हैं, हम अपने मतलब ये जितना एरिया हमने कवर कर लिया है अब ये हमारा भारत है और वो तुम्हारा भारत है, ऐसा भी कर सकते हैं ये समय आने पर। लेकिन इस पर भी थोड़ी थोड़ी कड़वी बात है, लेकिन है सच जी, इस देश ने एक विभाजन देख लिया है और इस तरह की चीजें करके कहीं ना कहीं आप दूसरे विभाजन की ओर देश को ले जाने की कोशिश नहीं कर रहे। दूसरा सवाल ये भी कि सरकार का जो सवाल उठता है कि इस तरह के लोगों पर जो भी देश में और दूरियां या समाज में विभाजन लाने की कोशिश करते हैं उस पर अंकुश लगाए, लेकिन समाज की जिम्मेदारी पर सवाल क्यों नहीं खड़ा किया जाए? क्यों लोग वो लोग जो इनके पीछे पीछे कतार में खड़े होते हैं, जो इनको इतना बड़ा बनाते हैं, वो क्यों ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं करते हैं? क्योंकि अंबर देखिए, ये जो ताकत आपकी और हमारी आवाज में है ना, ये ताकत लाना आसान काम नहीं होता है। किसी गलत बात को गलत कहने के लिए बहुत बड़ा जज्बा और दिल चाहिए होता है, और खासकर अपने समुदाय की चीजों को। दूसरे पर तो आप फौरन उंगली उठा देते हैं, मैं आपको ये बोल सकती हूँ नहीं अंबर आप ये अच्छा नहीं कर रही हैं, वो अच्छा नहीं कर रही हैं, या ये अच्छा नहीं है, या आपकी आवाज या आपका दिख कैसा रहे, दूसरे के ऊपर जल्दी कह सकता है आदमी आसानी से। लेकिन जब अपने ऊपर बात आती है अंबर, उसको रियलाइज करना और उसको सुधारना, एक तो रियलाइज करना हो गया, एक उसको सुधार की तरफ लेकर चलना, वो बहुत मुश्किल काम है। और मुसलमानों का, जैसे मोहन भागवत जी ने भी कहा है अंबर, मैं मींस घमंड, आई एम द बेस्ट, मैं सर्वप्रथम सर्वोपरि, ये छोड़ना होगा कि हम ही बेस्ट है बाकी सब बेकार है। देखिए हर एक के अंदर, आपके अंदर कुछ और क्वालिटी है, मेरे अंदर कुछ और क्वालिटी है, और बहनों के अंदर कुछ और, हर एक की अपनी क्षमता होती है, हर एक की अपनी ताकत होती है, कोई किसी से छीन नहीं सकता। हाँ, आप पर हम सब एकजुट हो जाए तो हमारी ताकत जरूर बढ़ सकती है अंबर, आपकी भी ताकत जो आपकी क्वालिटी है, मेरी भी ताकत जो मेरी क्वालिटी है, अगर हम दोनों बहनें और सारी बहनें एकजुट हो जाए तो सोचिए हम कितनी ताकतवर हो जाएंगी। लेकिन वो जो बरसों से वो दिमाग में भरा है अंबर कि
अल्लाह पाक जहन्नम में जलाएंगे। आप सोच कर देखिए कुरान क्या कहता है कि अल्लाह पाक माफ करने वाला है। आपकी कितनी भी बड़ी गलती कर ली है आपने और आप कहेंगे माफ कर दीजिए अल्लाह पाक रो रो कर, अगर आप दो बार, ये मैं मौलानाओं की पढ़ाई हुई उनके शब्दों की बात बता रही हूँ आपको, अपने शब्द नहीं गढ़ रही हूँ। वो कहते हैं कि आप मौलाना कहते हैं कि भाई आप अल्लाह के सामने रोएंगे तो वो माफ करेगा, फिर आप हमें ऐसा क्यों डराते हैं कि नहीं नहीं अगर हमने हिंदू का प्रसाद खा लिया तो बहुत गलत हो जाएगा, फिर आप हमें ये क्यों डराते हैं कि हमारी खीर खा कर जाइए आप ईद पर, हमारे साथ ईद गले भी मिलिए, लेकिन फिर हम टेलर वाला हाल करेंगे, आप हमारा नाप लेंगे हम आपको चाकू घोंप देंगे। तो अंबर ये सब चीजों पे हमें काम करना होगा, हमें ये घमंड में नहीं रहना होगा कि बस मैं तो मुस्लिम हूं मैंने तो कुरान शरीफ पढ़ लिया बस। कुरान शरीफ बेशक उसमें नुक्ता भी नहीं बदला जा सकता, लेकिन उसमें सब कुछ लिखा है। सवाल ये है कि जब लोगों को इसी तरह की सीख दी जाएगी तो उनपे उनके ऊपर जिम्मेदारी भी तो नहीं हम डाल सकते ना, एक नैरेटिव चेंज करने की जरूरत है ना इस तरह की। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मुस्लिम लोगों को अंबर इसीलिए मैं कहती हूँ कि मुस्लिम समुदाय को नहीं मौलानाओं को बदलने की जरूरत है। सबसे पहले इनकी तबीयत ठीक करनी चाहिए कि आप जो इस्लाम पेश कर रहे हैं वो इस्लाम में कुछ बहुत अच्छा लिखा है, आप उसको अपने निजी फायदे के लिए बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं अपने मुंह से। एक लाइन नंबर आपको भी दी जाए, मुझे भी दी जाए और चार लोगों को और दी जाए, ये मैं सिंपल शब्दों में समझा रही हूं, तो शायद हम सबकी लाइन अलग अलग हो जाएगी, बोलेंगे वही। तो ये मौलानाओं ने कुरान का तो नुकता भी कोई चेंज नहीं कर सकता है, और सारा लॉ लिखा है मुसलमानों के लिए, कानून जिसे आप और हम जिसकी बात करते हैं कुरान शरीफ में, तो उस कुरान शरीफ को जब ये कहते हैं, जब ये देखिए एक मौलाना ने कहा लड़की बाढ़ की तरह है और खेत का बाढ़ तोड़िए और घुस जाइए उसके अंदर, सोचिए क्या क्या लिखा था कुरान शरीफ में, था कि लड़की आपका खेत जिससे आप कमाते हैं जिसकी आप दिन रात रखवाली करते हैं वो बहुत अहम है, उसको प्यार से रखिए। लेकिन इन्होंने क्या पढ़ा, जब जब YouTube पे आप इनको देखेंगी बाढ़ को तोड़ दीजिए घुस जाइए उस खेत में, तो क्या सोचेगा कोई इस्लाम के बारे में, क्या लड़कियों के लिए ऐसे सिखला सकते हैं? और आप सोच कर देखिए क्या कोई भी धर्म अंबर बेटियों के लिए ऐसी बात लिख सकता है कह सकता है, और वो भी कुरान जो खुदा की किताब है खुदा की भेजी हुई, उसमें तो हमारे लिए ये पूरा जीवन जीने के लिए एक बेहतरीन आलीशान शानदार जीवन की चीजें लिखी हुई हैं अगर हम ठीक से पढ़े और समझे तो, और प्रेम प्यार सौहार्द की गंगा बहाइए लिखा है। मैं हिंदी में कड़क हिंदी में इसलिए बोल रही हूं ताकि अपने जो दूसरे व्यूवर्स हैं वो भी समझ सके कि लिखा तो ये है। अब मौलाना अगर इस तरीके से बोलेंगे कहीं पर भी जहां पर आप और हम इनको बोलते देखते हैं, चाहे वो YouTube पर देखें चाहे और जो बयान करते हैं ये कहीं पर भी, तो हम क्या सोचेंगे, अरे अल्लाह पाक ने ऐसा लिख दिया कि उधेड़ दो लड़कियों की खाल और शादी, मतलब आप प्रेग्नेंट भी, आप सोच कर देखिए आप प्रेग्नेंट हैं और पति कहता है कि मेरे साथ बिस्तर पर चलिए तो आपको जाना ही होगा चाहे आपको बेबी हो रहा हो, क्या कभी किसी किताब में किसी धर्म की किताब में ऐसा लिखा जा सकता है? ये तो अंडरस्टूड चीजें हैं, इसे तो वैसे भी समझना चाहिए, पर बरसों से जो पढ़ाते आ रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी वही सीखती आ रही है। तो मुझे लगता है कि आप और हमें आपकी हमारी जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा है अंबर, हम जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह से आप और हम आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरह से हम मुसलमानों को अवेयर कर रहे हैं कि ये चीजें गलत हैं यहाँ पढ़िए, वो जो आप और हम अल्लाह का इस्लाम और मुल्ला का इस्लाम में फर्क बताते हैं कि आप अल्लाह का इस्लाम समझिए तो आपको मुल्ला के इस्लाम की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है सबसे बड़ी सवाल तो ये कि इस्लाम में किसी भी मीडिएटर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो आपके पास अल्लाह की किताबें आप खुद समझ के अपनी समझ के हिसाब से जो आज के जमाना में जरूरी चीजें हैं और आज जो चीजें अप्लाई होती है उसके हिसाब से आप उस समझ के अपने आप फॉलो कर सकते हैं इस्लाम को। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे ये है कि जब भी हम इस तरह के मुद्दों पर बात करते हैं तो लेटली अगर हम पिछले 7-8 सालों की बात करते हैं जब से टीवी पे इस तरह के मुद्दे डिस्कस होना शुरू हुए हैं, हमेशा यही नजर आता है कि महिलाओं को लेकर इस तरह की बातें, इस तरह के फरमान, इस तरह के फतवे होते हैं, कभी देश को, समाज को या समाज में जो आतंकवाद फैलाते हैं इस्लाम के नाम पे जो गलत करते हैं उनको लेकर कोई फतवा नहीं आता, सिर्फ फतवे महिलाओं के लिए क्यों आते हैं, क्यों बंदिशें, क्यों इस तरह के फरमान महिलाओं तक है? अगर आप मुस्लिम की क्या मतलब पुरुष वर्ग की पुरानी हिस्ट्री भी देखेंगी ना, खासकर मुस्लिम समुदाय की मैं बात कर रही हूँ,
तो औरत को सिर्फ माफ कीजिएगा, सिर्फ सेक्स के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ये एक हमें चीज मिली है, इसका और कोई वजूद नहीं। इस तरह से हमारा मतलब हमें पेश किया जाता है, इस तरह से हमारे लिए सोच बनाई गई है कि इनको सिर्फ ये सिर्फ रात के बिस्तर के लिए और घर का खाना बनाएंगी और हमारे बच्चे पैदा करेंगी। ये ही हमने शिक्षा दी है बरसों से कि औरतें सिर्फ इसी काम के लिए। ये तो शुक्र करिए कि समय समय पर बदलाव आते रहे, तब किसी औरत ने इनिशिएटिव लिया। हम सब उन सब मैं तो उन सब पुरानी औरतों को, चाहे वो हिंदू बहने हो या मुस्लिम बहने, सबको सैल्यूट करती हूँ कि चलिए समाज में कोई बदलाव लेने की तरफ तो आगे बढ़ा था, चाहे उन्होंने कितने भी अत्याचार सहे हों। और आप अंबर मुस्लिम कम्युनिटी से ही आती हैं, तो मुस्लिम में जो सुन्नी कम्युनिटी है, शिया तो थोड़े सॉफ्ट और काइंड होते हैं, जो इन सब चीजों पे थोड़ा ध्यान भी देते हैं और कैसे दूर की जाए की तरफ भी जाते हैं। लेकिन सुन्नी समुदाय, जिस कम्युनिटी से मैं आती हूँ अंबर, ओ माय गॉड, आप जानती हैं वहां भी किस तरीके के होते हैं, बेइंतहा कट्टर। औरत बाहर झांकना, आप और हमारे सामने तो नेशनल टेलीविजन पर मौलाना बोलते हैं, आप देखती हैं कि परफ्यूम लगाना हराम है, मस्जिद में आ गई तो हमारी नीयत खराब हो जाएगी, हम नमाज कैसे पढ़ेंगे, आप सोच कर देखिए। तो ऐसे मौलानाओं के ऊपर भी तो गाज गिरनी चाहिए ना। तो मैं वो वाले मौलाना जो बहुत चीजें जानते हैं गहराई से इस्लाम की और कहीं ना कहीं मूक दर्शक बनकर बैठे हैं, उनसे भी आपके माध्यम से आह्वान कर रही हूं अंबर कि वो भी बाहर निकलें और इस्लाम का सही पैगाम, जो प्रोफेट मोहम्मद कहते हैं बेटी सर का ताज है, बेटी के लिए खुशियां मनाइए जब बेटी पैदा हो, उसको इस तरह से मत देखिए कि हाय बेटी पैदा हो गई, हमारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा। आज बेटियां भी उतनी ताकत के साथ अपने माँ बाप का नाम रोशन करती हैं, आप देखती हैं बेटे फिसड्डी रह जाते हैं कहीं होके और बेटियां कितना कितना नाम रोशन करती हैं। तो प्रोफेट मोहम्मद तो ये सिखा कर गए, और फिर मौलाना तो हमें यही बताते हैं ना कि हम सब हुजूर के फॉलोअर्स हैं, हम सब प्रोफेट मोहम्मद हमारे आखिरी पैगंबर हैं, उनके बाद कोई पैगंबर नहीं आएंगे, और वो हमें वहां माफी भी दिलवाएंगे सब चीज की। तो भाई उनकी कहीं बातें भी मान लीजिए ना प्लीज, आप अपने जीवन में तो लाइए। सारे मुसलमानों को तो आप उल्टा पुल्टा सिखाते रहते हैं, लेकिन आपको तो दिल से सच्ची बात पता है ना कि अल्लाह पाक कहते हैं प्रेम प्यार से रहिए। जिस देश में प्रोफेट मोहम्मद कहकर गए, जिस देश में आप रहते हैं उस देश के कानून को फॉलो करिए। और पढ़ाई के लिए जैसे आपने भी बताया कि चाइना जाना पड़े तो जाइए, तब चाइना बहुत दूर होता था तो प्रोफेट मोहम्मद ने इस तरीके की बात कही थी। आज तो जाना चाहे तो आप दुनिया में किसी भी कोने में पढ़ाई के लिए, बल्कि मुझे तो गर्व है हमारे भारत में पढ़ाई के लिए आते हैं लोग दूर दूर से। तो मुझे लगता है इन मौलानाओं को सुधारने की जरूरत है, जो आप और हम सब काम कर रहे हैं, धीरे धीरे इन मौलानाओं को लाइन पर लाया जाएगा, तभी शायद ये आतंकवाद जिसकी आपने बात की, क्योंकि ये कट्टरता ही सारी मुसीबत की जड़ है अंबर, ये कट्टरवादिता ही आतंकवाद की जड़ है। जब आप कहें नहीं मेरा धर्म ही सर्वप्रथम सर्वोपरि है, नहीं नहीं मेरे धर्म के लिए अगर उसका भी कत्ल करना पड़े कर दीजिए, नहीं उसको मर्डर करना पड़े चाकू घोंपना पड़े घोंप दीजिए, तो ये सिखाने वाले कौन है, अंकुश तो इन पर ही लगाना पड़ेगा ना अंबर, जो इस तरीके की चीजें सिखा रहे। तो शायद अगर हम मौलानाओं पर शिकंजा कसें जो आप पर हम काम कर रहे हैं, शायद इसको बड़े लेवल पर सरकार अगर आप पर हम सबको सहयोग करे, मैं तो आपके माध्यम से ये भी बड़ी बात बोल रही हूँ कि सरकार को इस तरीके के लोगों को और फैसिलिटीज देनी चाहिए, ताकि हम मुस्लिम कम्युनिटी के घर